फैमिली कैसे हैं सब, उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सोफिया केयर। आज की जो वीडियो है ये है डैंड्रफ के बारे में। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो ये वीडियो है आपके लिए। मुझे डैंड्रफ का इशू काफ़ी देर से था लेकिन मुझे इसका सलूशन नहीं पता था, तो अब मुझे इसका हल मिल गया है तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि डैंड्रफ का इशू हर दूसरे बंदे को है, जिसको देख लो उसको डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ से मुझे पता है इतनी इरिटेशन होती है, दूसरे दिन आपकी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, आपको हेयर वॉश बार बार करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये चौथी दफ़ा अप्लाई करने के बाद होम रेमेडी, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ कि जिस बंदे को डैंड्रफ का इशू है तो भाई आपके लिए भी आसानी हो जाए। और जो शैम्पू जिसका मैंने जिक्र अपनी लास्ट वीडियो में किया था, इट्स वर्क्स लाइक वंडर्स, इतना मज़े का शैम्पू है। मैंने आप यकीन करें कि दूसरे दिन ही स्कैल्प ऑयली हो जाती, लेकिन मैंने अपना हेयर वॉश किया था चौथे दिन, वो भी स्कैल्प मेरी हल्की सी ऑयली थी, लेकिन मुझे था भाई इतनी देर हो गया अब तो, क्योंकि हफ्ते में दो दफ़ा तो हेयर वॉश तो लाजमी है, ऐसे रोज़ रोज़ भी नहीं करना चाहिए, इससे बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ड्राई काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप करते हैं ज़्यादा हेयर वॉश तो अपना हेयर वॉश ज़्यादा मत करें, एटलीस्ट दो या तीन दिन का गैप लाजमी दें। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें, इट विल वर्क 110%। तो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मेक श्योर यू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो व्हेनेवर आई अपलोडेड द वीडियो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। सिर्फ सिंपल सी दो चीज़ें चाहिए हमें, पानी और एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आई थिंक हर घर में अवेलेबल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो हम बात करते हैं बालों की। बालों के लिए अगर आपके थिनिंग हेयर है, आपकी रीग्रोथ नहीं हो रही बालों की, इसमें हेल्पफुल है। डल है आपके बाल, डैमेज है, इसको रिस्टोर करता है, आपके बालों में शाइन आती है। डैंड्रफ है, कोई बैक्टीरिया है तो उसको ये सॉल्व करता है, और बालों की पीएच जो है स्कैल्प की पीएच को मेंटेन करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हेल्थ की बात करें तो वेट लॉस अगर किसी को प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो मैं भी इसको खैर सुबह समटाइम्स जब मुझे याद आता मैं इसको पीती हूँ। एक ग्लास में आपने एक चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर डालना और इसको पी लेना है, या अगर रात को सोने से पहले, वैसे सुबह मॉर्निंग में उठ के ज़्यादा बेहतर है, कभी कभी वैसे मैं रात में भी पी लेती हूँ। अच्छा जी, तो अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है इसके लिए भी ये बेस्ट, लेकिन आज हम सिर्फ बालों के लिए इसकी बात करेंगे। अच्छा जी, इसको बनाना कैसे है? आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग पानी लेना है। अब आपने इस तरह से बनाना है कि 1/3 जो है हमने लेना है पानी, और उसका जो चौथा हिस्सा है वो लेना हमने एप्पल साइडर विनेगर। तो इस हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी को सेट करना है। मेरे हिसाब से मेरे बालों के अकॉर्डिंग इतना बहुत है, बल्कि आई थिंक इसमें से भी बच जाना ये। अच्छा जी, चौथे दिन मैंने किया था अपना हेयर वॉश, और मेरा बालों में ऑयल भी बहुत कम आया पहले से, और डैंड्रफ मेरे बहुत कम हुई। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ करें, बेशक वो स्किन के लिए है या हेयर के लिए है, आप सबसे पहले तो अपने अंदर सब्र लेके आएँ। सब्र होगा तो आप कोई होम रेमेडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ करें उसको अभी छोड़ दें। आपने उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो चीज़ असर होगी। कोई जादू नहीं होता कि अगले दिन ही आपको रिज़ल्ट उसका मिल जाए। अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका डैंड्रफ सर के जिस हिस्से में ज़्यादा, वहाँ पर स्प्रे ज़्यादा करना है। मेरे क्राउन एरिया में ज़्यादा होती है, फ्रंट पर ज़्यादा, तो मैं वहाँ पर स्प्रे ज़्यादा करती हूँ। स्प्रे जो है सिर्फ रूट्स में करना है, बाकी बालों पे हमने लगाना है ऑयल। आपके पास कोई सा भी ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मेरे पास बचा था ऑर्गन ऑयल भी वैसे बहुत अच्छा है, तो या अगर आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है बेबी ऑयल यूज़ कर लें। लेकिन एंड्स पे अगर आप इस स्प्रे को लगाएंगे तो बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं। बींग अ मॉम इट्स वेरी हार्ड कि आप अपनी सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लो, हेयर केयर के लिए, स्किन केयर के लिए। तो इसलिए जब मैं अपनी हेयर केयर करती हूँ तो साथ ही मैं अपनी स्किन को भी थोड़ी टेंडिंग पेंडिंग कर लेती हूँ। तो दूध जो है मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, दूध से क्लिंजिंग मैं करती हूँ। इवन जब कभी मैं सुबह उठती हूँ तो इसके साथ पहले क्लिंजिंग करके फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दूध को यूज़ करने के। अगर आप इसको एज अ क्लिंजर यूज़ करते हैं तो इससे रिंकल्स कम होती हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, सनबर्न क्योर करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, कलर कम्प्लेक्शन इन्हेंस करता है, और एक्नी है अगर किसी को तो एक्नी भी रिड्यूस करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आप कोई सी भी चीज़ यूज़ करें तो अपने हाथ, पाँव, गर्दन, कान, शान कुछ ना भूलें, हर जगह पे जो भी कोई चीज़ अगर आप यूज़ करें उसको अप्लाई करें।
शहद, हल्दी और दही का जो मास्क है, इट्स रियली बेस्ट फॉर समर्स. बाहर जाते हैं स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है और सनबर्न हो जाता है. तो अब ये जो मास्क है, इट्स रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज ऑन आर स्किन, ऑन आर फेस. तो आप इस हेयर मास्क को, हेयर मास्क कह रही हूँ, इस फेस मास्क को आप ज़रूर अप्लाई करें. 15 मिनट लगाने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया. राइन भी चुप था, अपने डैडी के साथ खेल रहा था. मैं क्या लगे हाथ, फिर एक और काम कर लिया जाए. मैंने गर्म पानी लिया और उसमें टिश्यू डिप किया और उसको अपने नाक के ऊपर रख दिया ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए और वाइट साइड जो है वो ईजिली बाहर आ जाए. जी, चारकोल की नो स्ट्रिप. अब हर घर में स्टीमर तो होता नहीं कि आप स्टीम पहले लें स्टीमर के साथ और फिर अपने वाइट सर्च निकालें. तो दिस इज़ अ ईजी देसी तरीका कि आप सिर्फ गर्म पानी में टिश्यू डिप करें, उसके बाद नो स्ट्रिप लगा लें और इजीली आपके वाइट हेड्स बाहर आ जाएंगे, या अगर ब्लैक हेड्स भी हैं. अपर लिप भी होने वाली थी मेरी, मैंने कहा चलो अब फिर अपर लिप भी कर लेते हैं. रायन अगर मुझे टाइम दे रहा है मामा को तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. ग्लो आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसी मैंने चीज़ यूज़ की है जिसका मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप इस टाइम होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दैट इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट. वैसे तो मुझे 110% मैं श्योर हूँ ये ज़रूर काम करेगी. अगर मेरे बालों पर असर कर सकती है तो आपके बालों पर भी ज़रूर करेगी. और ये है जी उस शैम्पू का और उस होम रेमेडी का रिज़ल्ट मेरे बालों पे. मैंने अपने बालों को इसलिए स्ट्रेट नहीं किया था कि आपको मैं इसका एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो दिखाऊं. ये मेरे असली बाल हैं क्योंकि मुझे अपने ये बेबी जो बाल हैं ये पसंद नहीं है. मुझे बालों, अपने बाल स्ट्रेट हों तो मुझे अच्छे लगते हैं. कह लीजिए इंसान की नेचर में वैसे नाशुक्री है, जो चीज़ उसके पास है उसको वो पसंद ही नहीं है, जो नहीं होती उसको वो चाहिए होती है. तो बस यही चक्कर मेरे साथ भी है, मुझे अपने बाल स्ट्रेट पसंद है. तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने असली बाल भी दिखाऊं, आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊं. तो चले जी, आज जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच. आप इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी. और अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए. जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आवाज़ रहें, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा. अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, जल्द देखने वीडियो खुदा फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय. और इससे ज़रूर आपका मसला हल हो जाएगा. मसला या इट इज़ अ मसला. लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.